हेलो एवरीवन, जय श्री राम। आई एम प्रवीण मिश्रा अगेन ऑन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ स्टडी अड्डा एंड वी आर कंटिन्यू ऑन अवर चैप्टर एलजेब्रा। इन द सेम चैप्टर अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अ वर्ड प्रॉब्लम। इन दिस प्रॉब्लम दे आर सेइंग वी ऑलरेडी नो द रूल फॉर पैटर्न ऑफ लेटर्स एल एंड सी एंड एफ। सम ऑफ लेटर्स फ्रॉम क्वेश्चन वन गिवन एबो गिव अस द सेम रूल एज दैट बाय एल। विच आर दीज? Why does this happen? अब देखो, L, C and F, L, C and F में कितनी कितनी आपको required रहेंगी मेजेस्टिक्स, उसके अकॉर्डिंग वो रूल बनेगा। क्योंकि कल हमने यही किया था, कल हमने शुरुआत में जो काम किया था नंबर ऑफ मेजेस्टिक के लिए ही वो रूल बनाया गया था, ये वाला। T के लिए फॉर ईच लेटर टी वी नीड टू स्टिक्स, फॉर वन जेड वी नीड थ्री स्टिक्स, दैट्स वाई फॉर एन जेड वी नीड थ्री इंटू एन, फॉर एन टी वी नीड टू एन, फॉर एन यू वी नीड थ्री एन। एन क्या है यहाँ पर? जितनी भी बार वो लेटर बनाया गया, नंबर ऑफ दैट पैटर्न, नंबर ऑफ दैट पैटर्न। यू को तीन बार बनाया तो, और ये चार बार बनाया तो एन के प्लेस पे चार बार फोर आ जाएगा, ये मतलब है इसका कुल मिलाकर। तो इसी बेसिस पे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में पूछा है कि अगर एल और सी एंड एफ के लिए, इन तीन के लिए पैटर्न बनाए तो क्या बनेगा। तो पहले तो बना लेते हैं, फिर बात करेंगे इस बारे में। फॉर पैटर्न L, फॉर पैटर्न L, L बनाने में आपको कितने स्टिक्स लगेंगी? वन टू, दैट मीन्स इसका रूल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रूल इज 2n। हर L बनाने के लिए आपको टू स्टिक्स चाहिए, तो जितने L बनाओगे वो n के प्लेस पर रख दो। सपोज आप 50 टाइम L बना रहे हो, 50 टाइम बना रहे हो, तो n के प्लेस पे 50 रख दो, 50 इंटू 200 आ जाएगा, यानी आपको कुल मिलाकर 100 की स्टिक्स चाहिए। ऐसे c के लिए बनाओ, 1 2 3, ये बन गया c, है ना। अब c के लिए कितनी स्टिक्स चाहिए आपको? यहाँ पहले सिर्फ c लिख देते हैं, वन टू थ्री, थ्री स्टिक्स चाहिए। रूल क्या हो जाएगा, 3n। देन F, वन टू थ्री फोर, फोर स्टिक्स चाहिए, वन टू थ्री एंड फोर, रूल इज 4n। ये तो बात कर ली हमने। अब अगली बात ये कि जो आपने लास्ट वाला क्वेश्चन किया था उसमें ऐसे कौन से लेटर हैं जो बिल्कुल वही रूल देते हैं जो L देता है। तो L कौन सा रूल देता है? 2n। तो प्रीवियस वाले पे देख लो कि कौन कौन से लेटर्स हैं जो 2n दे रहे थे आपको। एक तो T और एक V, सिर्फ T और V वो दो लेटर थे जो L के जैसा रूल दे रहे थे। In previous question, T and V are the letters, giving same rule, as L. जो L ने रूल दिया यानी 2n, वही का वही रूल पिछले वाले क्वेश्चन में किस किसने दिया था? T ने और V ने। तो हमने लिख दिया कि T और V वो लेटर हैं लास्ट वाले क्वेश्चन के जिन्होंने सेम रूल दिया है। नेक्स्ट, कैडेट्स आर मार्चिंग इन अ परेड, देयर आर फाइव कैडेट्स इन अ रो,
what is the rule which gives the number of cadets given the number of rows? Use n for the number of row. अब देखो, for example की परेड के लिए ग्राउंड आपको बनाया हुआ है, एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड ले लिया हमने, है ना? ये एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड है और यहाँ पर कुछ कैरेट्स हैं जो परेड कर रहे हैं, है ना? तो अब हर रो में 5-5 कैरेट्स हैं, तो हर रो के लिए हम यहाँ पर एक मार्क बनाएंगे, वन टू थ्री फोर एंड फाइव। एक रो में टोटल कितने कैडेट्स हैं? कैडेट क्या होता है ये तो इसमें तो डाउट नहीं है ना। एनसीसी कैडेट देखे होंगे तुमने, जो खाकी यूनिफॉर्म पहन के रखते हैं, एक टोपी लगा के रखते हैं, है ना? कुछ बेचेस होते हैं रेड कलर के, ये वो। और कुल मिलाकर एनसीसी जो नेशनल कैडेट कोर जो तुमने सुन के रखा है, वो जो उनको भी कैडेट्स बोला जाता है। तो वो परेड के लिए ग्राउंड में इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने अपने आप को अरेंज किया है, और कितनी रो में किया है तो ये बाद में कह दिया कि आप एन ले लो रो के प्लेस पर दो। और हर रो में कितने कैडेट्स हैं? 5-5 कैडेट्स हैं, 1 2 3 4 5। अगेन 1 2 3 4 5। अगेन 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इनके पीछे बहुत सारी रो में कैडेट्स लगते चले जाएंगे। लेकिन अब आपको ये पता है क्या कि कितनी रो है? नहीं पता है, खुद एज्यूम करनी है कि अगर 4 रो होगी तो कितने स्टूडेंट, कितने कैडेट्स होंगे, 5 रोज हैं तो कितने कैडेट्स हैं, 6 रोज हैं तो कितने कैडेट्स हैं, ऐसे करके आप काउंट करने के लिए अगर फार्मूला बनाओगे तो क्या बनेगा? देखो, 1 रो में कितने कैडेट हैं? 5। 2 रे में 5 + 5 = 10, यानी 5 × 2 = 10, 2 × 5 टोटल। 3 रो मिलाकर 5 + 5 + 5 = 15, यानी आप बोल सकते हो 3 × नंबर ऑफ कैडेट, है ना? और या कन्वर्सली आप ऐसा कह सकते हो कि हर रो में कितने कैडेट्स हैं? 5। अगर आपको पता चला कि एक ही रो है तो 1 का मल्टीप्लाई करो, 2 रो है तो 5 में 2 का मल्टीप्लाई करो, टोटल 3 रो है तो 3 का मल्टीप्लाई करो। ऐसा करते करते आपको सारी जितनी भी रो है सभी में टोटल कैडेट्स कितने ही मालूम पड़ जाएगा। लेकिन अभी तो हमें पता ही नहीं है, अभी तो हमें सिर्फ नंबर ऑफ रोज को एन एज्यूम करना है। तो चलो हम एज्यूम कर लेंगे कि नंबर ऑफ रो एन है। लेट नंबर ऑफ रोज इज एन, सिंस नंबर ऑफ कैडेट्स in a row is 5, that's why number of cadets in n row, अगर आपने total n row assume करके रखी है, let number of row is n, तो अगर total n row assume किया है तो 5 में n का multiply कर दो, 5n, और ये आपका answer हो जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा लॉजिक है। पहले 5 बच्चे खड़े हो गए, 5 स्टूडेंट आपके स्कूल में परेड के लिए खड़े हो गए, उनके पीछे फिर 5, उनके पीछे फिर 5, तो क्या 5 5 5 5 आप ऐड करते जाओगे क्या? नहीं, एक रूल बना लिया आपने, एक बार देख लिया कि 5 है और सबके पीछे एक 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 करके लगते गए हैं, तो अब आप ये बोल दोगे कि जाओ देख के जाओ कितनी कितनी रो है, बस फिर उसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा, है ना? सपोज हर रो में 5 5 है और टोटल 100 रोज है, 100 रो लगी हुई हैं, तो 5 × 100 कर दोगे, 500 स्टूडेंट मिल गए आपको। तो वही बात यहाँ पर है कि अगर आपने नंबर ऑफ रो एन लिया है और हर रो में कितने कैडेट्स हैं? 5, तो 5 × n, ये टोटल नंबर ऑफ कैडेट आ जाएगा। ठीक है, आंसर है विच गिव्स द नंबर ऑफ कैडेट्स, गिवन द नंबर ऑफ रोज। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट, इफ देयर आर 50 मैंगोज इन अ बॉक्स,
how will you write the total number of mangoes in terms of number of boxes? Use B for number of boxes. नंबर ऑफ बॉक्सेस को हमको बी एज्यूम करना है, कुछ बॉक्स हैं उनके अंदर मैंगो रखना है ना, और हर बॉक्स में कितने मैंगो रखना है, 50 मैंगोज इन द बॉक्स. अब टोटल कितने बॉक्स है ये नहीं पता, पर हमको कह दिया कि आप बी ले लो. अगर टोटल नंबर ऑफ बॉक्स बताना है तो आप कह दो बी बॉक्स है. अगर एक ही बॉक्स है तो कितने मैंगो है, 50, क्योंकि एक बॉक्स में 50 आ रहे हैं. अगर टू बॉक्स है तो 50 + 50 = 100, या आप 50 × 2 भी बोल सकते हो. अगर थ्री बॉक्सेस है तो 150, 50 + 50 + 50, या 50 × 3 भी बोल सकते हो. तो ऐसे ही वो थ्री क्या है, नंबर ऑफ बॉक्सेस है, टू क्या था, नंबर ऑफ बॉक्सेस था, वन क्या था, नंबर ऑफ बॉक्सेस. तो अगर आप एड करने के बजाय मल्टीप्लाई करके ये आंसर लाना चाह रहे हो तो आप नंबर ऑफ बॉक्सेस में नंबर ऑफ मैंगोज का मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ बॉक्सेस में नंबर ऑफ मैंगोज का मल्टीप्लाई कर दो. Let total number of boxes is B. Since number of mangoes in a box is 50, that's why number of mangoes in B boxes that will be 50 × B. कैसे कर रहे हैं, अगर आपके पास number of box, यहां देखो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, और number of mangoes. अब बॉक्स वन है तो आपके पास कितने मैंगो, 50 है, क्योंकि एक बॉक्स में सिर्फ 50 मैंगो ही आते हैं. अगर टू बॉक्सेस है तो एक में 50, एक और में 50, टोटल 100. अगर थ्री बॉक्सेस है तो 150, फोर बॉक्सेस है तो 200. अभी आ कैसे रहा है, वन बॉक्स मैंने 50 वन टाइम लिया, टू बॉक्स मैंने 50 + 50 टू टाइम लिया, थ्री बॉक्सेस में 50 + 50 + 50 थ्री टाइम लिया, फोर बॉक्स है तो 50 + 50 + 50 + 50 फोर टाइम लिया. लेकिन एड करने की बजाय कोई और भी तो तरीका है. हमको मालूम है कि अगर बार बार आप एडिशन करते हो, रिपीटेड एडिशन इज मल्टीप्लिकेशन, ये सुन रखा है छोटी क्लासेस में, रिपीटेड एडिशन इज मल्टीप्लिकेशन. तो यहाँ आप बोल सकते हो कि वन बॉक्स के लिए 1 × 50 है, 1 × 50 है, टू बॉक्सेस के लिए 2 × 50 है, थ्री बॉक्सेस के लिए 3 × 50 है, फोर बॉक्सेस के लिए 4 × 50 है, इसलिए ही आ रहा है. तो 50 तो क्या है, नंबर ऑफ मैंगोज इन अ बॉक्स, और आपने नंबर ऑफ बॉक्सेस कितना लिया है, बी. अगर वन बॉक्स होता है तो 1 × 50, टू बॉक्स तो 2 × 50, थ्री बॉक्स 3 × 50, फोर बॉक्स 4 × 50. तो अगर बी बॉक्स है तो बी इंटू 50 आएगा, यानी 50 B आएगा, ये आपका आंसर है. चलो यहाँ तक कुछ पूछना है तो पूछो, वैसे तो बहुत बेसिक बात चल रही है पर हो सकता है कि किसी को नहीं समझ आई हो तो पूछ सकते हैं. स्टडी अड्डा पर कमेंट कर दो फटाफट, कुछ पूछना है तो पूछ लो. स्लाइड मेंशन कर देते हैं हम बेटा, ठीक है. अभी तो 2-4 स्लाइड हुए, थोड़ा 8-10 स्लाइड हो जाएगा जब नंबर डाल देंगे हम. बढ़िया बेटा. अच्छा कुछ लोगों का, जैसे कल किसी स्टूडेंट ने शायद क्वेश्चन किया था कि बीच के वो चैप्टर हो चुके हैं, पर कोई बात नहीं,
अगर आपने लेट सब्सक्रिप्शन लिया है, लेट ज्वाइन किया है स्टडी अड्डा को, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, वापस रिवीजन करने वाले रहेंगे हम हमारे चैप्टर्स होने के बाद, या शायद कुछ चैप्टर बचा कर भी हम ऐसा कर सकते हैं, कुछ दिन में डिसाइड कर लेंगे वो कि आपके जो चैप्टर्स हो चुके हैं वो भी रिवाइज होंगे। यानी हमारे पास 1 ईयर का टोटल टाइम है, इस पूरे टाइम में 12 मंथ में हम एक ही बुक को पता नहीं कितनी बार कर लेंगे, और या यूँ कहे कि एक बुक तो ये पूरा रिवाइज हो ही जाएगा, उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेंगे ओलंपियाड वगैरह के। तो जो लोग लेट ज्वाइन किया जिन्होंने, तो उनके लिए टेंशन की बात नहीं, जो चैप्टर अभी चल रहा है इसको आप अपना फर्स्ट चैप्टर मानकर चलो, बाकी जो चैप्टर पहले हो चुके तो आप उनकी टेंशन मत लो, फिर हो जाएंगे। अगर आपको लगता है नहीं हमको तो अभी देखना है, तो आप पास्ट में जाकर देख सकते हो उसको, पास्ट लाइव सेशन में जाकर देख सकते हो। नाहर आज ही आए हो क्या बेटा? कल नहीं थे, अवेलेबल नहीं थे। कल का लेक्चर देखो। एलजेब्रा मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम आइडेंटिटीज़ का यूज़ करते हैं, कुछ अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हैं, और ये सारा काम आप किसी प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए कर रहे होते हो, किसी बड़े से कैलकुलेशन को कम कैलकुलेशन में बनाने के लिए कर रहे होते हो। तो मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करते हुए, कुछ आइडेंटिटीज, कुछ फार्मूला का यूज़ करते हुए हमारे कैलकुलेशन को सिंपल बना लेते हैं, इस ब्रांच को मैथमेटिक्स कहते हैं, अलजेब्रा कहते हैं। शौरी करके 50x तो ले सकते हैं, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में कह के रखा है कि यूज बी फॉर द नंबर ऑफ बॉक्सेस, तो उन्होंने बी कहा इसलिए हमको बी लेना पड़ा। जब किसी क्वेश्चन में नहीं गिवन रहे कि क्या आपको वेरिएबल लेना है, तो फिर आप कोई भी एक्स भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ बी कहा हुआ था इसलिए बी लेना पड़ा। हाँ ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अभी तक की स्लाइड्स को नंबर दे देते हैं हम। ये आपका फर्स्ट स्लाइड था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये। द टीचर डिस्ट्रीब्यूट्स 5 पेंसिल पर स्टूडेंट, कैन यू टेल हाउ मैनी पेंसिल्स आर नीडेड गिवन द नंबर ऑफ स्टूडेंट। अगर आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है तो आप टोटल पेंसिल कैसे मालूम करोगे? तो यहाँ ये भी कहा है यूजेस फॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट, वैसे तो यहाँ लिखा होगा मेरे ख्याल से यूज एस, ये यहाँ पर एक स्पेस होना चाहिए, यहाँ स्पेस होगा, स्टूडेंट के लिए एस लेना है आपको। ठीक है, स्टूडेंट के लिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट के लिए एस एज्यूम करके चलना है। तो चलिए आपको क्या गिवन है, हर एक स्टूडेंट को कितनी पेंसिल्स मिलने वाली है? 5 पेंसिल्स मिलने वाली है। और आपको क्या बोला है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या लेना है? आपको लेना है एस। लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज एस, सिंस अ नंबर ऑफ पेंसिल्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू ईच स्टूडेंट, नंबर ऑफ पेंसिल्स distributed to each of the student तो हर स्टूडेंट को कितनी पेंसिल डिस्ट्रीब्यूट की टीचर ने? 5 पेंसिल। तो
टोटल कितने स्टूडेंट हैं? एस स्टूडेंट हैं। हमने कहा है कि यहाँ एस स्टूडेंट्स हैं टोटल। एस कोई ना कोई नंबर होगा, 10, 13, 15, 18 कुछ ना कुछ होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट। दैट्स वाई नंबर ऑफ पेंसिल्स रिक्वायर्ड, तो कितना टोटल स्टूडेंट कितने, सपोज 100 स्टूडेंट है और हर एक को 5-5 पेंसिल मिलनी है, तो 100 × 5, 500 चाहिए। क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो नंबर ऑफ स्टूडेंट को नंबर ऑफ पेंसिल से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, एस, और नंबर ऑफ पेंसिल ऑब्टेन बाय ईच स्टूडेंट इज 5, देन 5s, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले के लिए। नेक्स्ट है, अ बर्ड फ्लाइज 1 किलोमीटर इन 1 मिनट। 1 मिनट में 1 किलोमीटर वो बर्ड फ्लाई होता है। और उसके बाद कैन यू एक्सप्रेस द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड इन टर्म ऑफ इट्स फ्लाइंग टाइम इन मिनट। तो मिनट के लिए उन्होंने कह दिया कि टी एज्यूम करो, मिनट की जब बात करोगे तो आपको टी लेना है। ठीक है, कर लेते हैं। लेट नंबर ऑफ मिनट या फिर टोटल टाइम इज टी मिनट, ऐसा भी बोल सकते हो। लेट टोटल टाइम ऑफ फ्लाई इज टी मिनट, यानी टोटल वो कितनी देर के लिए उड़ता है जो पक्षी है, वो टी मिनट के लिए उड़ता है। फिर हर मिनट में वो कितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेता है, 1 मिनट में 1 किलोमीटर, है ना, ये भी लिख दें। सेंस बर्ड फ्लाइज 1 किलोमीटर इन 1 मिनट, दैट्स वाई बर्ड विल फ्लाई इन 10 मिनट एंड द टोटल डिस्टेंस विल बी टी इंटू 1, यानी टी किलोमीटर हो जाएगा सीधे सीधे आंसर। बर्ड फ्लाइज 1 किलोमीटर इन 1 मिनट, दैट्स वाई डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड इन टी मिनट इट इज 1 × t किलोमीटर, और 1 × समथिंग तो समथिंग ही आएगा, यानी टी किलोमीटर आपका आंसर आएगा। यानी अगर टी मिनट तक अगर वो उड़ता है तो टी किलोमीटर इज 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 2 मिनट में 2 किलोमीटर, 3 मिनट में 3 किलोमीटर, 100 मिनट में 100 किलोमीटर, तो टी मिनट में टी किलोमीटर, ये आपका आंसर है, है ना। चलिए नेक्स्ट है, राधा इज ड्राइंग अ डॉट रंगोली। रंगोली समझते हो, ऐसे उन्होंने एक्सप्लेन भी किया, अ ब्यूटीफुल पैटर्न ऑफ लाइंस जॉइनिंग डॉट्स विद चॉक पाउडर। लेकिन मेरे ख्याल से सभी समझते हैं रंगोली, तो इतना भी कोई मॉडर्न नहीं हुआ होगा कि रंगोली नहीं पता। हमको सर बता दो पहले तो रंगोली क्या होता है। तो रंगोली ड्रॉ किया है किसने, राधा ने, और उसने 9 डॉट्स लिए हर रो में। हर रो में कितने डॉट्स लिए, 9 डॉट्स लिए। जैसे ऐसा देखे देखा होगा तुमने, अभी तो बहुत सारी रंगोली चलने लगी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब जनरली छोटे बच्चे जब बनाना सीख रहे होते हैं, जनरली गर्ल्स, तो वो क्या कर रहे होते हैं कि बिल्कुल स्क्वायर लेते हैं, बिल्कुल स्क्वायर बना रहे होते हैं। 9 इधर लिया तो वो ये भी करते हैं कि इधर भी 9 ले लेते हैं, और फिर डॉट्स को ज्वाइन करा कर रंगोली बनाने के नए नए पैटर्न ढूंढ कर लाते हैं। किसी ने ऐसा ज्वाइन कराया, फिर यहाँ से ऐसा ज्वाइन कराया,
इधर ज्वाइन करा दिया किसी, है ना, ऐसे कुछ नए नए पैटर्न बनते जाते हैं, अब मुझे तो नहीं आती बनाना। तो ऐसे करके उसने एक स्टूडेंट ने, एक गर्ल है राधा, उसने रंगोली बनाना शुरू किया और टोटल 9 डॉट 1 रो में लिए हैं। तो आपको ये पूछा है कि कितने डॉट्स लगेंगे अगर नंबर ऑफ रोज आर रखो, आर स्मॉल आर बोला हुआ ये यहाँ पर, है ना, नंबर ऑफ डॉट्स इन अ रो, नंबर ऑफ डॉट्स इन अ रो, एक रो में कितने डॉट्स हैं, 9 डॉट्स हैं। तो उन्होंने कितनी रो लेने को कहा है, अगर जो राधा है वो टोटल रंगोली में आर रो लेती है, आर रो नंबर ऑफ रोज को आर बोला है, 1 2 3 4 5 ऐसा आर कोई ना कोई नंबर है। इफ नंबर ऑफ टोटल रोज इज आर, देन नंबर ऑफ टोटल डॉट्स, टोटल नंबर ऑफ डॉट्स भी लिख सकते हो, वो क्या आ जाएगा, 9 इंटू आर, 9 इंटू आर, प्रीवियस क्वेश्चंस के जैसे ही है। अगली बात ये कि अगर उस रंगोली में 8 रोज हैं तो कितने डॉट आएंगे, और अगर 10 रोज हैं तो कितने डॉट आएंगे, है ना। इफ नंबर ऑफ रोज आर इज 8, सीधी बात है, नंबर ऑफ रो को हमने आर से रिप्रेजेंट किया है, अगर उन्होंने कह दिया कि टोटल 8 रो हैं तो आर के प्लेस पे क्या लिख देंगे, 8, देन टोटल नंबर ऑफ डॉट, टोटल नंबर ऑफ डॉट्स, फॉर्मूला क्या है आपका, 9 इंटू आर, 9 इंटू आर के प्लेस पे तो 8 लिखना है, यानी 72 डॉट्स आएंगे, टोटल 72 डॉट्स आएंगे। ऐसे ही एक और पूछा है कि अगर टोटल 10 रो होंगी तो क्या होगा, इफ नंबर ऑफ रोज आर इज 10, देन टोटल नंबर ऑफ डॉट्स 9 इंटू आर, आर इज 10, दैट्स वाई इट विल बी 90 डॉट्स, और बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी बिल्कुल छोटे बच्चों वाले क्वेश्चन चल रहे थे, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, रहेगी तो अपकमिंग लेक्चर में आप कमेंट सेक्शन का यूज़ करें और पूछ लें। ठीक है, कल मिलेंगे, जय श्री राम।